बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशे का पोंचू बनता हुआ देखेंगे, जो कि मैंने 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है। और बनाना बहुत आसान है, डिफरेंट कलर से आप इसको बना सकते हैं अपनी पसंद के कलर्स के साथ। तो आइए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 96 चेन्स बनाई हैं, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हैं। आप इन चेन्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से। तो 96 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट चेन के साथ मैंने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन किया है, और यहाँ पे मैं 3 चेन्स बनाऊंगी, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा इस तरह। और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशे। टोटल हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, और ये थर्ड वाला। फर्स्ट के 3 स्टिचेस पे हमने 3 डबल क्रोशे बना लिए हैं, और उसके बाद एक चेन का गैप लेके इन स्टिचेस में से एक चेन को हमने स्टिच को स्किप कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे अगेन हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशे और एक चेन गैप के साथ हमने तकरीबन 24 सेट्स बना लिए हैं। और अब लास्ट में हम जो फर्स्ट 3 चेन थी उसकी थर्ड चेन के साथ हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 24 सेट्स ऑफ 3 डबल क्रोशे आ गए हैं, ये देखें। तो 12 जो हैं सेट्स हम एक साइड पर रखेंगे, और 12 ही हम दूसरी साइड पर रख के, और अब इसके बाद हमने अगेन सेकेंड रो स्टार्ट करनी है। और उसको देखें कैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टिप स्टिच के साथ। इस तरह से हम इस 1 चेन गैप में आ गए हैं, और उस पर भी हमने बिल्कुल उसी तरह से 3 चेन्स बना के, और उसके बाद 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। जो 3 चेन्स हैं वो एक डबल क्रोशे काउंट होती है, उसके बाद फिर 1 चेन का गैप देना है इस तरह से, और फिर नेक्स्ट जो 1 चेन स्पेस है उसमें हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। सिंपल, जिस तरह से हम ग्रैनी स्क्वायर्स वगैरह में बनाते हैं, बिल्कुल आपने वही पैटर्न रखना है। लेकिन इसके सेंटर में मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, एक इसका यहाँ पे सेंटर आएगा और एक दूसरी साइड पे आएगा 12 सेट्स के बाद। इसी तरह हमने 1 चेन गैप के बाद 1 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाते जाना है। और अब ये सेंटर वाला स्पेस आ गया है, 12 एक साइड पे हैं और 12 दूसरी साइड पे। तो ये देखें इस तरह से, तो ये जो सेंट्रल स्पेस है हमारी दोनों साइड्स पे, उसमें हमने क्या करना है कि 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसमें 2 चेन्स का गैप देना है। ये सेंट्रल स्पेस में हम बना रहे हैं, 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन्स बनानी है, और इसी स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशे और बना लेने हैं। तो सेंट्रल स्पेस में हमारे 2 सेट्स बनेंगे 3 डबल क्रोशे के, और बीच में 2 चेन्स का गैप रखेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर सा बन जाएगा। और अगेन हमने 1 चेन गैप के बाद 3 डबल क्रोशे बनाते हुए हर स्पेस में दूसरी एज पे जाना है, दूसरी साइड पे, और वहाँ पे भी हमने इसी तरह से एक कॉर्नर सा बना लेना है। तो बस सिंपल सा यही पैटर्न हमारा थ्रू आउट द पोंचू कंटिन्यू होगा। और बस सेंटर वाले स्पेस में हमने 2 सेट्स ऑफ 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, बाकी हर 1 चेन गैप में हमने 3 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। तो आप इस पोंचू का साइज़ जितना भी बड़ा रखना चाहें आप रख सकते हैं, और जितने भी कलर्स इसमें आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये बेसिक जो है वो मैंने आपको 2 ला दी हैं,
और इन्हीं रोज़ को आप जितना भी एक्सटेंड करना चाहें आप उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2-3 ईयर्स की बच्ची के लिए बनाया है। आप अपने बच्ची के साइज़ के हिसाब से आप इन स्टार्टिंग की जो 96 चेन्स थी उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मज़ीद आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जहाँ पे कुकिंग एंड क्रोशे फेस के नाम से ही मेरा आईडी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।